के बिड़ला अस्पताल पहुंचाया गया। जैन मुनि के अंतिम दर्शन के लिए सैकड़ों लोग पहुंचने लगे। बड़ी खबर आपको बता दें, जैन मुनि विश्वनाथ सागर का सड़क हादसे में निधन हो गया है। दातारामगढ़ के दाता कस्बे में घाटपा रोड पर यह हादसा हुआ। आज दोपहर 2 बजे दाता गांव में अंतिम संस्कार किया जाएगा। उसी के बिड़ला अस्पताल में बड़ी संख्या में जैन मुनि के अंतिम दर्शनों के लिए सैकड़ों लोग कल सुबह से ही पहुंचना शुरू हो गए। जैन मुनि के अंतिम दर्शनों के लिए अस्पताल में भीड़ लगी हुई है। जैन समाज के लोग लगातार पहुंच रहे हैं। जैन मुनि विश्वनाथ सागर का सड़क हादसे में निधन हो गया है। जी मीडिया संवाददाता दीपक गोयल हमारे साथ जुड़ चुके हैं और अधिक जानकारी के लिए उनका रुख कर लेते हैं। दीपक, जैन मुनि विश्वनाथ सागर का सड़क हादसे में निधन हो गया है, कैसे हुआ यह हादसा और फिलहाल उनके अंतिम दर्शनों के लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं अस्पताल में की गई है, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग वहीं पर पहुंच रहे हैं जैन मुनि को एक आखिरी बार देखने के लिए। देखिए, कल दातारामगढ़ जो इलाका है सीकर के अंदर, तो दाता गांव है, वहाँ जैन मुनि है, जैन मुनि विश्वनाथ सागर है, वो विहार कर रहे थे वहां से और रास्ते में अज्ञात वाहन ने उनको टक्कर मार दी। वो वहां गिरे, उनको तुरंत वहाँ सीएससी अस्पताल ले गया, सीएससी लेके गया, सीएससी ले जाया गया, लेकिन वहां से तुरंत उनको जयपुर के सीके बिड़ला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। तो बताया यही जा रहा है डॉक्टर ने कि सीके बिड़ला अस्पताल आने से पहले ही उनका जो सांसें हैं वो थम चुकी थी। जैन समाज में शोक की लहर है और जिस तरह से दाता गांव के जो ग्रामीण हैं, उनके जैन समाज के जो लोग हैं, उनका यही कहना था कि जो उनका अंतिम संस्कार है वो दाता गांव में ही किया जाए, इसलिए सभी जैन समाज की सहमति से उनकी जो बातचीत उनकी जो देह है उनको रात को ही दाता गांव में ले जाया गया है और अंतिम दर्शन के लिए दाता गांव में उनको रखा गया है, जिससे कि जो जैन समाज के जो लोग हैं, ग्रामीण हैं, उनके अंतिम दर्शन कर सके और दोपहर 2 बजे दाता गांव के अंदर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। लेकिन हालांकि इस पूरे मामले को लेकर पुलिस है, जिस अज्ञात वाहन ने टक्कर मारी थी उसकी खोजबीन शुरू कर दी है, लेकिन एक जैन समाज में एक कह सकते हैं अपूर्ण क्षति मानी जा रही है। जैन समाज में शोक की लहर है और तुरंत जिस तरह से उनके निधन की खबर, उनकी एक्सीडेंट की खबर जैसे ही जैन समाज के लोगों को पहुंची और तुरंत दातारामगढ़ से कुछ लोग जयपुर पहुंचे और जो लोग जिस सीके बिड़ला के बाद जब उनको उनका कहा गया कि वो उनकी सांसें थम चुकी है, तो तुरंत जयपुर से जब उनकी देह को दातारामगढ़ ले जाया गया तो जैन समाज के जो काफी संख्या में बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो रवाना हो चुके हैं दातारामगढ़ के दाता गांव के लिए। आज उनकी जो अंतिम संस्कार है वो किया जाएगा और बताया जा रहा है कि बड़ी संख्या में राजस्थान से ही नहीं, अलग अलग इलाकों से, अलग अलग इलाका, अलग अलग दूसरे राज्यों से भी जो लोग हैं वो अंतिम संस्कार में है वो शामिल होंगे। जी बिल्कुल, हादसे के तुरंत बाद सीके बिड़ला अस्पताल में एडमिट करवाया गया था, लेकिन उसके बाद रेफर किया गया जयपुर अस्पताल में, एसएमएस हॉस्पिटल में, लेकिन रास्ते में ही डॉक्टर्स का कहना था कि उन्होंने दम तोड़ दिया था। शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारी के लिए। तो आज दाता रामगढ़ में गांव में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा, लेकिन अस्पताल में अंतिम दर्शनों के लिए बड़ी संख्या में जैन धर्म के लोग पहुंच रहे हैं।